सीबीएसई बोर्ड, सीआईएसई बोर्ड क्लास 10, क्लास 12, मेरे प्यारे दोस्तों, टर्म 1 क्लास 10 एंड क्लास 12। बेसिकली आप सबको पता है कि आपका जो मैटर है बहुत ही हद तक आगे बढ़ चुका है आपके ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशंस को लेकर। उसी के साथ मैं आप लोगों को और भी कई सारे अपडेट्स देना चाहूंगा, कई सारे चेंजेस के ऊपर अपडेट देना चाहूंगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन का मैटर जो है उसके बारे में भी मैं आप सबको डिटेल्स दूंगा। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले कई सारे स्टूडेंट्स, मैंने आप सबसे कहा था कि नोट्स वगैरह यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे लोग, यूट्यूबर्स हम कहते हैं पर बेसिकली हम लोग काम करते हैं टीचर्स के साथ, आपके लिए हर वक्त हम लोग जितना हो सके आपके लिए पॉसिबिलिटीज ला सके, आपका जितना हो सके करियर बिल्ड करने में हम मदद कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 10 साइंस नोट्स, जो कि डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन लोगों ने कहा था कि भैया सबसे पहले आप साइंस का नोट्स दे दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में जो कि है लिंक मैंने दे दिया है, आई होप आपको बहुत इजी लगेंगे याद करने में, पढ़ने में, तो जरूर यूज करिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 10 क्लास 12 जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग नीचे जरूर कमेंट डाउन करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स सारे प्रिपेयर हो चुके हैं, एक एक करके आपको प्रोवाइड करने हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर को हम बीच में या एंड में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीएसई कई सारे चेंजेस कर रही है, आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे चेंजेस किया गया है। चेंजेस इन अ सेंस उसमें क्या है कि आपको कम से कम, एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, 60 क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर, 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आप ओनली 40 लिख कर आओगे। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो होंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस, है ना, वो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। अब ये कोई भी मोड में हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड में हो, पर क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। बेसिकली आपको 60 क्वेश्चंस, एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन सा चुनकर लिखते हो, मतलब आप ऑप्शनल है आपके लिए, ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छी पॉइंट है। दूसरे चेंजेस है आपके टाइमिंग को लेकर, जहां पर आपके 10:30 में एग्जाम्स वगैरह होते थे सीबीएसई सीआईएसई ने, उस जगह पर टाइमिंग आपको दिया है 11:30 रिपोर्टिंग टाइम है, या कोई भी अगर पेपर आपको दिया जाएगा तो आप लोगों को आधा घंटा पहले आप लोगों को समय मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब चलिए बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप सबसे ज्यादा परेशान हैं ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर। तो हाल ही में आप सबको पता है, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पे भरा पड़ा हुआ है ऑनलाइन मैटर के बारे में, है ना। ये ना मैंने वहां पे कुछ लिख के डाला है और ना आपने कुछ लिख कर डाला है। जो पेरेंट्स चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं, ये डिमांड तो बढ़ेगा, आगे जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इनजस्टिस का सवाल है और इन इक्वेलिटी का सवाल है। इनजस्टिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि हम लोगों का राइट्स है, हम कुछ भी डिमांड कर सकते हैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर से, हम कुछ भी डिमांड कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जो हमें सही लगे हमारे देश हमें वो देती है। पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग नजर देखा जा रहा है, एजुकेशन में भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको लेकर बहुत सारे आवाज उठाए जा रहे हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन दोनों करवाने के लिए। जस्ट यहाँ पे मैटर है टर्म 1 का, टर्म 2 बाद में देखा जाएगा, वो हम ऑफलाइन में दे देंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा परेशान है, उनको गैप नहीं मिल रहा है एग्जाम्स के लिए, जस्ट बिकॉज अगर टर्म 1 ऑफलाइन होगा, एक तो प्रेशराइज करके आप एग्जाम दोगे, दूसरी ओर 2 मंथ्स रह जाएंगे आपके फाइनल टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी 50% आप सिलेबस याद करोगे बस 2 महीना में। अब आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि COVID-19 के केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं जहां पर, और जैसे ही इंक्रीज हो रहे हैं, 32 स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया 32 स्टूडेंट कर्नाटक में कोविड पॉजिटिव हुए, 33 में भी, और वहां पर ऑफलाइन सब कुछ चल रहा था, ठीक है, सब कुछ क्लोज कर दिया गया है, सब कुछ A to Z बंद है, ना एग्जाम होगा और ना स्कूल होगा, जो भी होगा अब ऑनलाइन वहां पर होगा। और भी चीज जो कि दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि एक बहुत चालाकी से काम कर रही है, कि दोनों ऑप्शंस में वहां पे काम चल रहा है, जिसको ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ सकता है, जिसे ऑफलाइन क्लास करना है ऑफलाइन कर सकता है। तीसरी चीज जो कि ममता शर्मा मैम, जिन्होंने आपका एग्जाम कैंसिल करवाया था, उनका भी ये कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं होने चाहिए जब तक कि स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं, और ये जेन्युइन डिमांड है पेरेंट्स का हमेशा से, और पेरेंट्स जो कि है पेटिशन साइन कर रहे हैं। पर हालांकि ये बात उतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है जितने अमाउंट में आप लोग हो, 36 लाख ऑफ स्टूडेंट्स इन सीबीएसई, 21 लाख स्टूडेंट्स इन आईसीएसई, अगर हंगामा तेज बढ़ेगा नहीं तो डिमांड आगे जाएगा नहीं, डिमांड आगे जाएगा नहीं तो काम होगा नहीं। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रख के चलना है, पढ़ाई के साथ लड़ाई भी है और पॉसिबिलिटीज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक्टिविस्ट और सब लोग बात कर रहे हैं कि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, क्यों ना एक बार जाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी चीजों को डिस्कस किया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय ले उसके बाद कुछ किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को पता है कि कई सारे गवर्नमेंट्स रिलक्टेंट हैं, कई सारे सबूत दिखा चुका हूं, नहीं करना चाहते हैं, स्कूल नहीं खोलना चाहते, अभी भी वर्किंग नहीं करना चाहते हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप सबको प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, थैंक यू सो मच।